नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आसमान से आग बरस रही है, लेकिन इसके बावजूद छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं ताकि उनके पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो। लेकिन इस वक्त एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको बताएं कि डीएम चंद्रशेखर सिंह जब स्कूल पहुंचे, जब उन्होंने स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया, तो ये खुलासा हुआ कि बच्चे तो स्कूल में हैं, लेकिन गुरुजी ही स्कूल से गायब है। जिसके बाद काफी गुस्से में डीएम चंद्रशेखर सिंह नजर आ रहे हैं और साथ ही उनकी तरफ से एक्शन भी लिया गया। तो बता दें कि इस भीषण गर्मी में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जो गुरुजी हैं उनकी तरफ से टाल मटोल किए जा रहे हैं, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई डीएम की तरफ से की गई है। ऐसे में और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ एक्शन डीएम चंद्रशेखर सिंह की तरफ से लिया गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि आसमान से आग बरस रही है, बच्चे गर्मी को मात देकर स्कूल पहुंच रहे हैं ताकि पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद गुरुजी गर्मी से हार जा रहे हैं, वह स्कूल नहीं आने की गणित लगा रहे हैं। बता दें कि अधिकतर सरकारी स्कूलों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहाँ पर डीएम ने पटना के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की चोरी पकड़ी है, जिसके बाद 13 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। बता दें कि पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह सदर प्रखंड के मर्ची पंचायत में योजनाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर रहे लोगों से जानकारी मिली। डीएम तब वहां स्कूल में पहुंचे और साथ ही उन्होंने ये पाया कि वहां के जो टीचर्स हैं वो तो छुट्टी पर हैं। ऐसे में डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी को कारण जानने का आदेश दिया और कार्रवाई की बात कही। ऐसे में डीएम ने मर्ची पंचायत में ही जो स्कूल है उसका निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। बता दें कि डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिला के विभिन्न पंचायतों में किए गए विद्यालय की जांच और प्राप्त जांच रिपोर्ट्स के आधार पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसी क्रम में 13 शिक्षकों का वेतन स्थगित करते हुए शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांग कर बड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ये सभी शिक्षक निरीक्षण के दौरान गायब पाए गए, जिसके बाद उच्च स्तरीय निर्देश पर बता दें कि जिला स्तरीय जांच दल द्वारा पटना के विभिन्न प्रखंडों के अनेक पंचायतों में स्थित स्कूलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण में शिक्षकों की अनुपस्थिति और साथ ही मिड डे मील का संचालन भी नहीं किया जा रहा था। जो अन्य कर्मी हैं वो भी गायब पाए गए, जिसके बाद डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि मनमानी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वो जाँच रिपोर्ट्स के आधार पर मनमानी करने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई करे। तो ये जो तस्वीरें थी बेहद हैरान कर देने वाली थी। जब डीएम स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वहां पे बच्चे तो मौजूद थे, लेकिन टीचर्स वहां से गायब थे, जिसके बाद 13 शिक्षकों पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है, उनका वेतन रोक दिया गया है। हालांकि और आगे क्या कुछ जानकारी सामने आएगी, इस लिस्ट में कौन कौन से शिक्षक का नाम शामिल है, ये तो आने वाले समय के साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से खुलासा किया जाएगा। लेकिन पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह की तरफ से बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन, जिसमें स्कूलों में मनमानी कर रहे शिक्षकों पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए स्कूलों से गायब रहने की जो जानकारी है वो सामने आई, जिसके बाद इन सभी 13 शिक्षकों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।